न्यूज लाइव पर देखते हैं कुछ आज की ताजा तरीन खबरें। शरद पवार का बीजेपी और फडणवीस पर हमला, लगाया भाजपा पर दमनकारी शासन चलाने का आरोप। पवार ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ लंबित मामलों का ब्यौरा नहीं दिया, उच्चतम न्यायालय को मुकदमा चलाने का आदेश देना पड़ा। वर्ली में लगे आदित्य ठाकरे के कई भाषाओं में पोस्टर। शिवसेना ने मुंबई की वर्ली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे आदित्य ठाकरे के लिए चुनाव प्रचार का आगाज अनोखे अंदाज में करते हुए कई भाषाओं में उनके पोस्टर लगाए हैं। आदित्य ठाकरे परिवार के ऐसे पहले सदस्य हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, SC ST कानून पर कोर्ट के फैसले से खुली बीजेपी कांग्रेस के दलित प्रेम की पोल। मायावती ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कानून के सख्त प्रावधानों को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले से भाजपा और कांग्रेस के दलित प्रेम की पोल खुल गई है। मायावती ने स्कूली शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की निम्न रैगिंग के लिए भी भाजपा और कांग्रेस की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी खबरें लिंक हाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।